तो आइए देखते हैं हम लोग लिपिड्स में जो आपका ड्रग है, लिपिड्स कंटेनिंग ड्रग, लिपिड्स कंटेनिंग ड्रग। तो लिपिड्स कंटेनिंग ड्रग में जो हमारा ड्रग है वो इंक्लूड है कैस्टर आय, चालमुग्रा आय, उसके बाद उल फैट, यही सब है ना। तो दो जो है जो कि आपको कैस्टर कैस्टर आय एंड चालमुग्रा आय, तो ये जो है ये आते हैं अंदर अंडर द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड आय। सो जो आपके सिलेबस में एग्जाम्पल इंक्लूड हैं वो सिंपल लिपिड्स हैं, सिंपल लिपिड्स, फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस। सिंपल जो भी आपको जैसे कि फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, वैक्सेस, ये क्या होते हैं, दीज आर सिंपल लिपिड्स। लिपिड्स या तो सिंपल होता है या कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स लिपिड हुआ जैसे कि फॉस्फोलिपिड, मींस लिपिड के साथ कोई एक्स्ट्रा जो है वो कंजुगेट किए रहता है तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और नहीं कोई कंजुगेशन रहता है तो सिंपल लिपिड्स। तो एग्जाम्पल हुए सिंपल लिपिड्स के फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस। तो आपके सिलेबस में फैट्स आयल्स में इंक्लूड हैं कैस्टर आयल, कॉलमोग्रा आयल, फैट्स में इंक्लूड हैं उल फैट और वैक्सेस में इंक्लूड हैं बीज वैक्स। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कैस्टर आयल एंड कॉलमोग्रा चालमोग्रा आयल, ठीक है। तो सिंपल लिपिड्स ये सभी क्या है, सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, दीज आर द esters of, these are esters of fatty acids, these are esters of fatty acids with long chain, या हम कहते हैं with alcohol, alcohol, esters of fatty acids with alcohol, यानी ये जो है अल्कोहल और फैटी एसिड, तो एसिड एंड अल्कोहल जब मिलते हैं तो एस्टर बनाते हैं। सो दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। फैटी एसिड किसको बोलते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो यदि लॉन्ग चेन मोर देन 4 कार्बन रहा तो उसको हम फैटी एसिड कह सकते हैं। तो फैटी एसिड कहा जाता है लॉन्ग चेन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को ही है, यानी इज ग्रेटर देन 4, कार्बन जो है 4 से बड़ा हो तो उसको हम फैटी एसिड कहेंगे। एसिड है तो कार्बोक्साइड फंक्शनल ग्रुप, COOH ग्रुप तो होना ही है, ठीक है। और अल्कोहल जो है, अब ध्यान दीजिएगा, ये फैट्स आयल्स एंड वैक्सेस डिफर कर रहा है, फैटी एसिड तो दोनों में होंगे, ठीक, और अल्कोहल के नेचर पे ये डिफर कर रहा है। यदि अल्कोहल ग्लिसरॉल हुआ, ग्लिसरॉल क्या है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल क्या है, ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स दे हैव 3 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप है। तो अल्कोहल या तो ग्लिसरॉल होगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, समझ गए। अल्कोहल या तो ग्लिसरॉल होगा या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लॉन्ग चेन। तो यदि ग्लिसरॉल है अल्कोहल पार्टनर, ठीक है, तब हम इसको फैट्स या आयल्स कहेंगे, फैट्स
फैट्स एंड ऑयल्स में अल्कोहल ग्लिसरॉल रहता है, फैटी एसिड तो दोनों में रहता है, अल्कोहल में केवल डिफरेंट है। तो फैट्स एंड ऑयल्स में अल्कोहल पोर्शन ग्लिसरॉल रहता है, जबकि यदि अल्कोहल पोर्शन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है तो इसका मतलब वो वैक्स है। तो वैक्स किस में रहता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है तो वैक्स है। क्लियर हो गया डिफरेंस? यानी फैट्स ऑयल वैक्सेस ऑल आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ अल्कोहल। इफ अल्कोहल इज ग्लिसरॉल देन इट इज फैट्स एंड ऑयल्स, एंड इफ अल्कोहल इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देन इट इज वैक्सेस। समझ गए बात? क्लियर? अब आते हैं कि फैट्स एंड ऑयल्स दोनों तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, दोनों फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल ही है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड या सेमी सॉलिड नेचर के होते हैं, जबकि ऑयल्स जो होते हैं वो लिक्विड नेचर के रहते हैं। अब ये सॉलिड और लिक्विड ये तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर। जैसे कि कोकोनट ऑयल, सपोज कीजिए कि कोकोनट ऑयल जो है वो आपको गर्मी में देखिएगा कि ऑयली फॉर्म में रहता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, जबकि आप उसको जाड़े में देखिएगा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो तब हम फिर कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको डिफाइन करने के इसलिए हम रूम टेम्परेचर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो रूम टेम्परेचर तो हर एक जगह वैरी करता है। तो हालांकि एक साइंस में तो एक कॉमनली 25 डिग्री C को रूम टेम्परेचर हम लोग मान ले रहे हैं, लेकिन इसको डिफाइन सेपरेट किया गया है कि दोज व्हिच आर लिक्विड लिक्विड एट 15.5 to 16.5 degree C आर कॉल्ड ऑयल्स, एंड दोज व्हिच आर सॉलिड आर कॉल्ड फैट्स। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट? दोज व्हिच आर टेम्परेचर रखा गया है 15.5 से 16.5 डिग्री C, इस टेम्परेचर पे, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, बस इस टेम्परेचर पे, चाहे आप यहां पे हो, शिमला में हो, अमेरिका में हो, उससे कोई फर्क नहीं है। इस टेम्परेचर पे जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा उसको आप ऑयल कहिए, क्योंकि तो केमिकली तो दोनों सेम है, ठीक है। तब तो बचा फिजिकल फॉर्म। तो इस टेम्परेचर पे 15.5 से 16.5 डिग्री C पर जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा उसको ऑयल कहा जाता है, जो सॉलिड फॉर्म में रहता है उसको फैट्स कहा जाता है। क्लियर? और ये जो ऑयल्स हैं इसको फिक्स्ड ऑयल कहा जाता है। फिक्स्ड ऑयल जो हम लोग खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल सपोज, तो इसको सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, ये सब क्या है? फिक्स्ड। पीनट ऑयल, तो ये सब क्या है? फिक्स्ड ऑयल। तो फिक्स्ड क्या क्यों कहा जाता है? तो देखिए, कंपेयर टू वोलाटाइल ऑयल, वोलाटाइल ऑयल क्या होते हैं? व्हिच इवेपोरेट एट द रूम टेम्परेचर। क्योंकि वोलाटाइल ऑयल रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट कर जाते थे, इसलिए इसको वोलाटाइल। और ये केमिकली क्या होते हैं? याद कीजिए, टर्पीन्स, मोनो एंड सिस की टर्पीनोइड कंपाउंड है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड ऑयल क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स, ये इस एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल है। फिक्स्ड ऑयल जो है वो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, यानी ट्राई अल्कोहल, सॉरी, ग्लिसरॉल में तीन OH ग्रुप है, यानी तीन OH ग्रुप है, वो तीन फैटी एसिड से कंबाइन करेगा तो ट्राई एस्टर बनेगा, इसलिए उसको ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, ठीक है। और यदि सभी फैटी एसिड सेम ही है तो सिंपल ग्लिसराइड, यदि फैटी एसिड अलग अलग है तो मिक्स्ड ग्लिसराइड है, वो बात की थी। तो कंपेयर टू वोलेटाइल ऑयल, दिस ऑयल जो है इट डज नॉट इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर।
डज नॉट इवेपोरेट इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे ये इवेपोरेट नहीं करते हैं, इसलिए इनको फिक्स्ड आयल कहा जाता है, जबकि वोलेटाइल है इवेपोरेट कर जाते हैं। यही कारण है कि जब आप फिल्टर पेपर पे वोलेटाइल आयल से मार्क लगाइएगा तो वो कुछ देर के बाद इवेपोरेट कर जाएगा, जबकि ये परमानेंट स्पॉट दे देगा, मींस इवेपोरेट तो करता नहीं है तो इसका परमानेंट स्पॉट बन जाता है, उससे डिटेक्शन हो जाता है कि फिक्स्ड ऑयल है या वोलेटाइल है। चलिए अब आ जाइए, इस दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, कैस्टर ऑयल एंड चार मोगरा ऑयल। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों का सिनोनिम्स देखते हैं। तो कैस्टर ऑयल को रिसिनस ऑयल भी कहा जाता है, रिसिनस ऑयल। ठीक है, और इसको तो आप जानते होंगे ना, अरंडी का तेल, यही है अरंडी, अरंडी का तेल कैस्टर ऑयल ही हुआ। चार मोगरा ऑयल का सिनोनिम्स है हिडनोकार्पस ऑयल, हिडनोकार्पस ऑयल या इसको कहा जाता है गाइनोकार्डिया ऑयल या इसको कहा जाता है तुबरक का तेल, हिंदी में तुबरक का तेल कहा जाता है, इसको अरंडी का तेल, इसको तुबरक का तेल। क्लियर। अब दोनों का बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स देख लीजिए। तो कैस्टर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स, तो दोनों क्या है, फिक्स्ड ऑयल है, और फिक्स्ड ऑयल जनरली इन मोस्ट केसेस में सीड से प्राप्त किए जाते हैं, वही मैं लिख रहा हूं, इट इज ए फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेंड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन ऑब्टेंड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ सीड्स ऑफ रिसिनस कॉम्युनिस, सीड्स ऑफ रिसिनस कॉम्युनिस फैमिली यू फॉर बी ए सी और इसमें फ्रॉम हिडनोकार्पस एंथेलमिंटिक या हिडनोकार्पस कुर्जी। ठीक, अब देखिए, और फैमिली इसका फैमिली हुआ फ्लैकोटिएसी। अब देखिए, दोनों का ये ऊपर वाला लाइन मैंने कॉमन लिख दिया है, इट इज ए फिक्स्ड ऑयल, दोनों फिक्स्ड ऑयल है, ऑब्टेंड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम द सीड्स। तो दोनों सीड से हो प्राप्त किए जाते हैं, किसके सीड से, तो कैस्टर ऑयल सीड्स ऑफ रिसिनस कॉम्युनिस जो कि फैमिलस यूफॉर्बिएसी है, जबकि चार मोगरा ऑयल जो है वो सीड्स ऑफ हिडनोकार्पस एंथेलमेंटिक या हिडनोकार्पस कुर्जी। ठीक है, या इसको टेरेक्टोजीनस कुर्जी भी कहा जाता है, टेरेक्टोजीनस कुर्जी भी कहा जाता है। ठीक है,
फैमिली है फ्लैक और टीएसी, फ्लैक और टीएसी। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए कोल्ड एक्सप्रेशन समझते हैं कि हम लिखे हैं ऑब्टेंड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ द सीट। तो कोल्ड एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग होता है? तो एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी आपने प्रेशर उस पे अप्लाई किया। एक्सप्रेशन मींस बाय अप्लाइंग प्रेशर, मींस उस पे प्रेशर अप्लाई करके उससे आयल निकाला जाता है। और कोल्ड का मीनिंग क्या हुआ कि विदाउट अप्लाइंग टेम्परेचर, विदाउट अप्लाइंग अप्लाइंग टेम्परेचर, यानी विदाउट अप्लाइंग, सॉरी विदाउट अप्लाइंग हीट कहिए, विदाउट अप्लाइंग हीट मींस एट रूम टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है। आगे बात समझ में, एक्सप्रेशन का अर्थ हुआ कि हम लोग प्रेशर इस पे अप्लाई करते हैं लेकिन कोई हीट अप्लाई नहीं करते हैं, ये प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे किया जाता है, इसलिए इस मेथड को कोल्ड एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर? चलिए तो ये तो हो गए बायोलॉजिकल सोर्स। अब दोनों का कैरेक्टरिस्टिक देखिए, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले कलर, ऑर्डर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी। तो देखिए कलर जो है कैस्टर आयल येलो टू कलरलेस होते हैं, येलो टू कलरलेस, येलो टू कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। जबकि चाल मोगरा आयल जो है वो आपको पेल येलो और ब्राउनिश कलर, पेल येलो और ब्राउनिश कलर, ब्राउनिश कलर के होते हैं, ठीक है। ऑर्डर जो है कैस्टर आयल का ऑर्डर जो है वो स्लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक, स्लाइट ऑर्डर होता है, स्लाइट। इसका भी ऑर्डर जो है वो स्लाइट होता है, दोनों का ऑर्डर स्लाइट ही होता है। इसमें आपको सम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रेनसीट बफर, ऑर्डर ऑफ रेनसीट बटर, रेनसीट बटर का ऑर्डर मिलता है, ठीक। टेस्ट, टेस्ट जो कैस्टर आयल का होता है, फर्स्ट ब्लाइंड फॉलोड बाय एक्रीड टेस्ट। तो देखिए इसमें फर्स्ट ब्लाइंड ब्लैंड, फर्स्ट ब्लैंड मीन्स शुरू में हल्का एंड फॉलोड बाय बाद में, फॉलोड बाय एक्रीड, एक्रीड एंड नॉसिएटिंग, नॉसिएटिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो शुरू में हल्का रहता है और बाद में एक्रीड एंड नॉसिएटिंग, नॉसिएटिंग मीन्स क्या कहते हैं, वॉमिटिंग का सेंसेशन आने वाला टेस्ट जो रहता है उस टाइप का, ठीक। तो आप एक्रीड याद रखिएगा कि फर्स्ट ब्लाइंड होता है देन एक्रीड होता है, जबकि कॉल क्या कहते हैं चाल मोकरा आयल का जो है वो टेस्ट जो होता है वो एक्रीड होता है, एक्रीड। इसमें फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तो ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछता है कि व्हिच ऑफ द आयल हैव ब्लैंड टेस्ट, फर्स्ट ब्लैंड टेस्ट फॉलोड बाय एक्रीड टेस्ट, ठीक है। तो कैस्टर आयल में फर्स्ट ब्लैंड देन एक्रीड, जबकि चाल मोगरा आयल में एक्रीड टेस्ट ही रहता है, ठीक। उसके बाद सॉल्युबिलिटी देखिए, ये जो है कैस्टर आयल, ये देखिए ये कैस्टर आयल बड़ा एक विचित्र सॉल्युबिलिटी रखता है। कैस्टर आयल जो है वो आपको
इथाइल अल्कोहल में सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल इन अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, आयल्स जो होते हैं वो जनरली वाटर एंड अल्कोहल में इनसॉल्यूबल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, स्टार मार्क में कर रहा हूं इसको, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑयल्स एंड फैट्स आर इनसॉल्यूबल, मीन सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल इन अल्कोहल एंड वाटर, एक्सेप्ट कैस्टर ऑयल इज सॉल्यूबल इन अल्कोहल। कैस्टर ऑयल अल्कोहल में बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है, क्यों जानते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिसिनोलिक एसिड इसमें पाए जाते हैं, ड्यू टू रिसिनोलिक एसिड। तो याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में, यहां से क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कि कैस्टर ऑयल इज सॉल्यूबल, चूंकि एक्सेप्शन है केस, तो इसलिए स्वाभाविक है क्वेश्चन बनता है, कैस्टर ऑयल इज सॉल्यूबल इन अल्कोहल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिसिनोलिक एसिड। तो इस चैप्टर से यदि सपोज कि एक क्वेश्चन कोई कहेगा सेट करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन यहां बनता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, कैस्टर ऑयल इज सॉल्यूबल अल्कोहल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिसिनोलिक एसिड, ठीक है। जबकि चाल मोगरा ऑयल जो है वो अल्कोहल में स्परेंगली सॉल्यूबल है, मीन्स बहुत कम सॉल्यूबल है, स्परेंगली सॉल्यूबल है, ठीक है, स्परेंगली सॉल्यूबल है, और मैक्सिमम ऑयल तो और भी कम सॉल्यूबल होते हैं। तो ये हो गया, और कैस्टर ऑयल की एक प्रॉपर्टी और खासियत इसमें है कि ये इट रिमेंस, ध्यान दीजिएगा, इट रिमेंस क्लियर एट 0 डिग्री सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कैस्टर ऑयल जो है, आप जनरली क्या होता है, कोकोनट ऑयल देखते हैं, ठीक है, तो गर्मी में लिक्विड फॉर्म में रहता है, जाड़े में वो जम के हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन ये श्रीमान आप 0 डिग्री टेम्परेचर तक चले जाइए फिर भी ये क्लियर रहते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास लिक्विड स्टेट में रहते हैं, कोई इसको, यही कारण है कि इसको यूज किया जाता है, दिस ऑयल कैस्टर ऑयल इज यूज एज ए लुब्रिकेंट। सो सिंस सिंस इट डज नॉट फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर, इट इज यूज एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के रूप में इसका कैस्टर ऑयल का यूज होता है। तो एग्जाम इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि कैस्टर ऑयल क्यों आप किस चीज में यूज होता है, तो लुब्रिकेंट ऑयल के कैटेगरी में यही कैस्टर ऑयल ही लुब्रिकेंट है। आप टीवी सब पे एडवर्टाइज में सुनते होंगे कि इंजन की शक्ति को दुगुना करता है कैस्टर ऑयल, तो यही है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, पहचान लीजिए इसको, यही लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है कैस्टर ऑयल। तो दोनों की प्रॉपर्टी हो गई, अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी देख लेते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो देखिए कैस्टर ऑयल जो है, तो मैं अभी बताया इसका दूसरा नाम क्या है, रिसिनस ऑयल, सो द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैस्टर, दोनों तो ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ऑयल जब ये है तो ट्राइग्लिसराइड होंगे ही होंगे, तो ये तो है ही है, इसलिए ट्राइग्लिसराइड तो दोनों है, तो इसमें और अल्कोहल दोनों में, देखिए दोनों ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड हुए, ये तो कॉमन हुआ कि दोनों ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स हुए, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। अब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अल्कोहल जब ग्लिसरॉल रहता है,
तभी तो उसको ट्राइग्लिसरॉल, तीन ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसर तभी बोलते हैं, और फैट्स एंड ऑयल्स में तो अल्कोहल ग्लिसरॉल ही रहता है, तो केवल डिफर क्या करता है फैटी एसिड, दे डिफर ओनली इन फैटी एसिड कि किस ऑयल में कौन सा फैटी एसिड है। जैसे कि कोकोनट ऑयल में आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड अधिक है, इसलिए वो जल्दी जम जाता है। यदि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है तो ऑयल लिक्विड स्टेट में रहता है, जमता नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो यानी दीज ऑयल डिफर ओनली इन द फैटी एसिड, तो कौन सा फैटी एसिड याद रखेंगे, कैस्टर ऑयल का दूसरा नाम है रिसिनस ऑयल, सो फैटी एसिड इसमें रहता है रिसिनोलिक एसिड, द मेजर फैटी एसिड प्रेजेंट इन दिस इज रिसिनोलिक एसिड, रिसिनोलिक एसिड। उसके बाद आइसोरिसिनोलिक एसिड भी रहता है, ओलिक एसिड भी रहता है, लाइनोलिक एसिड भी रहता है, लेकिन अबाउट 80% जो है 80% ये रिसिनोलिक एसिड, 80-90% आपको रिसिनोलिक एसिड, मेजर कंस्टिट्यूएंट इज रिसिनोलिक एसिड, ठीक है। तो आप इतना केवल याद रखिएगा, यही यहाँ पूछता है कि रिसिनोलिक एसिड इज फाउंड इन तो कैस्टर ऑयल में, तो ठीक है। और ये जो रिसिनोलिक एसिड है ये आपको ओमेगा 9 फैटी एसिड इसको कह सकते हैं, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स कह सकते हैं, और ये आपका जो आते हैं 12 हाइड्रोक्सी, केमिकली दिस वन इज 12 हाइड्रोक्सी डेल 9 फैटी एसिड, ध्यान दीजिएगा, केमिकली इट इज 12 हाइड्रोक्सी डेल 9 फैटी एसिड, यानी टोटल इसमें जो है याद रखेंगे 18 कार्बन फैटी एसिड्स है, और दे आर अनसैचुरेटेड होते हैं एंड हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए कि रिसिनोलिक एसिड जो है वो आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है एंड कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप, एंड कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसलिए मैंने लिखा कि 12 हाइड्रोक्सी डेल 9 फैटी एसिड, टोटल 18 कार्बन, ध्यान दीजिएगा, तो टोटल 18 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ध्यान दीजिएगा, यहां मैं इसका कैस्टर ऑयल का बना रहा हूं, देखिए 1, 2 यही लिख देता हूं COOH, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9th कार्बन हुआ, 9th कार्बन, तो डेल 9 हमें क्या लिखा था इसका स्ट्रक्चर, रिसिनोलिक एसिड इज 12 हाइड्रोक्सी, 12 हाइड्रोक्सी डेल 9 फैटी एसिड, ठीक है, तो 9 पे डबल बॉन्ड, तो यानी डबल बॉन्ड इज बिटवीन 9th एंड 10th कार्बन, डेल 9 मींस 9th एंड 10th कार्बन, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और 12 हाइड्रोक्सी, तो 10, 11, 12, 12 पे OH ग्रुप है, OH ग्रुप, ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर, तो यानी ये देखिए ये ओपन चेन है, रिसिनोलिक एसिड इज ओपन चेन, ध्यान दीजिएगा रिसिनोलिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये रिसिनोलिक एसिड, टोटल 18 कार्बन है, ओपन चेन, ओपन चेन है, ठीक है, अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, एंड एक OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है इस पे, ठीक है। तो इसी ध्यान दीजिए रिसिनोलिक एसिड के कारण ही जो है कैस्टर ऑयल का को जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो रिसिड, क्योंकि मेजर कंस्टिट्यूएंट तो यही है, तो इसके कारण ही कैस्टर ऑयल जो है सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं। तो यूज ऑफ कैस्टर ऑयल देख लीजिए, कैस्टर ऑयल इज कैथार्टिक, कैथार्टिक मींस लग्जेटिव, लग्जेटिव,
कैथार्टिक एंड लुब्रिकेंट, इसका एंड इमोलियंट, इमोलियंट भी कह सकते हैं। तो देखिए कैस्टर ऑयल का जो मेन यूज आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको मेडिसिन में एज ए लग्जेटिव, मशीन इंजन में, गाड़ी में एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है, याद रखिएगा। और ये कैथार्टिक एक्शन देता है बिकॉज ऑफ द इरिटेंट एक्शन ऑफ रिसिनोलिक एसिड, इरिटेंट ड्यू टू इरिटेंट एक्शन ऑफ रिसिनोलिक एसिड, इसलिए इसका एक्शन कैथार्टिक या लग्जेटिव जो कहिए वो है, ठीक है। और रिसिनोलिक एसिड के ही साथ कारण ये कैस्टर ऑयल जो है वो विस्कस नेचर का होता है, सो विस्कोसिटी ऑफ कैस्टर ऑयल इज ड्यू टू रिसिनो, यही रिसिनोलिक एसिड है रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ कैस्टर ऑयल इज ड्यू टू रिसिनोलिक एसिड, यानी कैस्टर ऑयल की जो भी चाहे वो अल्कोहल में सॉल्युबल हो या इरिटेंट एक्शन देता हो या विस्कोसिटी शो करता हो, जो भी प्रॉपर्टी है ड्यू टू रिसिनोलिक एसिड। रिसिनोलिक एसिड क्या है, 18 कार्बन ओपन चेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, जो पे की एक OH ग्रुप है, किस पोजीशन पे, तो याद रखेंगे 12 हाइड्रोक्सी डेल 9 फैटी एसिड, ठीक है। डेल 9 मीन्स 9th पोजीशन पे, आपको यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, क्लियर। तो यूज भी हो गया और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। अब आ जाइए देख लीजिए कॉलमोग्रा ऑयल में क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है। तो चालमोग्रा इसको बोलते हैं, चालमोग्रा ऑयल में इसको हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हैं, हिडनोकार्पस ऑयल। तो देखिए अब इसमें जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहते हैं, इसमें रहता है हिडनोकार्पिक एसिड देन चालमुग्रिक एसिड एंड गॉर्लिक एसिड, ठीक है। तो ये कंपोजिशन, ये आपको 48% चालमुग्रिक एसिड, आपको 27% और ये रहता है नियरली 15%, टोटल 80%, ठीक है। तो देखिए नाम ही है चालमोग्रा ऑयल या हिडनोकार्पस ऑयल, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या इसमें है, हिडनोकार्पिक एसिड, चालमोग्रिक एसिड एंड गॉर्लिक एसिड, ठीक है। तो आप परसेंटेज की जरूरत नहीं है याद करने की, आप केवल ये दोनों जो है मेन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट, हिडनोकार्पिक एसिड एंड चालमोग्रिक एसिड, इसको आप याद रखेंगे। और ध्यान दीजिएगा ये जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ये इसमें साइक्लिक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, साइक्लिक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जबकि कैस्टर ऑयल में क्या था, ओपीएन चेन अनसेचुरेटेड था, उसमें एस्टर चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं था, ओपीएन चेन अनसेचुरेटेड वहां भी था, तो अनसेचुरेटेड और वहां पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप 12 पोजीशन पे था, यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप तो नहीं है लेकिन ये साइक्लिक, ठीक है, वहां हाइड्रोक्सी अनसेचुरेटेड कह सकते हैं कि कैस्टर में हाइड्रोक्सी हटा के साइक्लिक अनसेचुरेटेड, तो ये साइक्लिक अनसेचुरेटेड यानी साइक्लिक एसिड, इसमें जो है वो
साइक्लोपेंटीन रिंग पाया जाता है, साइक्लोपेंटीन रिंग पाया जाता है, पांच कार्बन का रिंग पाया जाता है। और फिनोकार्पिक आयल एसिड जो है इसमें 16 कार्बन वाला एसिड है, जबकि चार मोक्रिक एसिड जो है वो 18 कार्बन वाला एसिड है। कैस्टर ऑयल में 18 कार्बन वाला था, तो यानी जो ना कैस्टर ऑयल में 18 कार्बन का था, ये चार मोक्रिक एसिड ये आपको 18 कार्बन का है, जबकि हिडनोकार्पिक जो है वो 16 कार्बन का है। तो ये साइक्लिक है, यानी एक तो साइक्लोपेंटीन हुए, तो ध्यान दीजिए इसका स्ट्रक्चर में, एक तो साइक्लोपेंटीन हुए, तो ये तो क्लियर हुआ, यानी पांच कार्बन तो गए, बच गए अब CH2, CH, CNCOOH, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब N क्या होगा, तो देखिए जैसे कि हिडनोकार्पिक में इसमें N कितना होगा, तो हिडनोकार्पिक जो है 16 कार्बन है, 16 कार्बन, यानी यहाँ 10 देंगे तो 10 11 12 नहीं, यहाँ पे 10 11 12 5 17 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 9 देना होगा, 9 1 10 11 5 16, तो N9 हुआ। ठीक है, तो हिडनोकार्पिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। चार मुखरिक एसिड, मुखरिक एसिड में N कितना देंगे, 11 देंगे, तो 11 12 13 5, तो ये हो गया आपको हिडनो चार मुखरिक एसिड का स्ट्रक्चर। आई बात समझ में, यानी स्ट्रक्चर आपको आराम से याद कर सकते हैं कि 16 या हिडनो हिडनो हो हिडनोकार्पिक जो है वो 16 कार्बन का है, चार मुगरिक एसिड 18 कार्बन का है। ठीक है, वन एंड पे इसके स्ट्रक्चर में वन एंड पे साइक्लोपेंटीन रिंग रहते हैं, दूसरे एंड पे कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर। यूज यूज देखिए इसका, चार मुगरिक आयल का बहुत सुंदर यूज है, ये वंडरफुल ड्रग है। आपको चाहे टीवी हो, लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो, ठीक है, रूमेटिज्म हो, गॉट गठिया हो, ठीक है, तो उस सब के लिए ये रामबाण का काम करता है दवा, चाल मुगरा आयल तुबरक का तेल। तो इट हैज दिस, ये जो इसमें जो केमिकल्स पाए जाते हैं चाल मुगरिक एसिड स्पेशली, तो इट हैज बैक्टेरिसाइडल इफेक्ट, बैक्टेरिसाइडल मींस बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टेरिसाइडल इफेक्ट ऑन माइकोबैक्टीरियम लेप्री एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ध्यान दीजिएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री ये क्या कॉज करता है, लेप्रोसी, यही वो बैक्टीरिया है जो कुष्ठ रोग क्रिएट करता है, सो इट कॉजेज द लेप्रोसी, लेप्रोसी, और ये श्रीमान यही रिस्पॉन्सिबल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीवी क्रिएट करते हैं, कॉजेज टीवी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, क्षय रोग, टीवी को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षय रोग, लेप्रोसी को कुष्ठ। तो इस दोनों बैक्टीरिया पे इसका बैक्टीरिसाइडल, सीडल मींस किल करने वाला, बैक्टीरिया को किल करने वाला, तो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। सो दिस ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टीवी के ट्रीटमेंट में, लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में, देन एस्केबीज के ट्रीटमेंट में, सोरियेसिस के ट्रीटमेंट में, सोरियेसिस एंड रूमेटिज्म में, रूमेटिज्म एंड गॉट में। तो याद रखेंगे इसका यूज है ये टीवी में, कुष्ठ में,
लेप्रोसी में, स्केबीज में, सोरियोसिस में, रोमेटिज में, गॉट में, इस सब में इसका यूज होता है चाल मुकरा ऑयल का। तो हो गया, दोनों ऑयल समाप्त हो गए। अब थोड़ा और एक चीज आप जान लीजिए कि कैस्टर ऑयल का थोड़ा प्रिपरेशन देख लेते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं प्रिपरेशन ऑफ कैस्टर ऑयल। ठीक है, तो देखिए ऑयल को बनाने का आप गांव में तो देखते होंगे कि कैसे ऑयल, आप यदि तेल पेरवाने के लिए जाते होंगे, ठीक है, ऑयल मशीन पे जाते होंगे तो वहां देखते होंगे कि कैसे तेल ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, तो तेल निकालने के दो मेथड है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो टू मेथड्स हैं। एक है पावर ड्राइवन, इलेक्ट्रिक के द्वारा जो मशीन चलता है पावर ड्राइवन, और दूसरा है ब्लॉक ड्राइवन। ठीक है, तो बैल के द्वारा जो चलाया जाता है, तो पहले गांव सब में देखते होंगे कि बैल लगा के तेल को पेरा जाता है, तेल निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक ड्राइवन। और अब एडवांस हो गया है तो पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, आइदर जनरेटर और जो भी हो पावर सप्लाई, तो पावर ड्राइवन। ठीक है, तो जिससे जो बैल के द्वारा निकाला जाता है जिस मेथड से, उसको हम लोग कहते हैं घानी। याद रखेंगे, इसको कहते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड एज घानी। तो आप देखते होंगे कि ऑयल के पैकेट पे लिखा रहता है कच्ची घानी, कहते तो यानी घानी मीन्स क्या कि ये बैल के द्वारा निकाला गया है, बैल की मदद से। ठीक है, अब देखिए ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑयल जो निकाला जाता है कोल्ड एक्सप्रेशन द्वारा, कोल्ड एक्सप्रेशन मीन्स प्रेशर अप्लाई किया जाता है लेकिन हीट अप्लाई नहीं किया जाता है। तो लेकिन ये मेथड जो है कॉमर्शियली, दिस मेथड इज मोस्टली यूज, सो दिस मेथड इज यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पस। ठीक है, क्योंकि बहुत एक लार्ज स्केल पे आप निकालना हो तो कितना देर आप बैल को घुमाते रहिएगा, इसलिए कॉमर्शियल पर्पस के लिए पावर ड्राइवन मेथड इज यूज्ड। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉमर्शियल मेथड को कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सीड्स आर डिकॉर्टिकेटेड एंड हल्स आर रिमूव्ड। ठीक है, सीड्स को डिकॉर्टिकेटेड मीन्स इसके हल्स को जो है वो पहले निकाल दिया जाता है, उसके बाद जो है इसको हाइड्रोलिक प्रेस में जो है वो दाब देके और इलेक्ट्रिसिटी में मीन्स प्रेशर इस पे अप्लाई किया जाता है सीड्स पे, तो सीड पे प्रेशर अप्लाई होने से उससे ऑयल निकलता है, बस यही सिंपल है। सो प्रेस्ड अंडर हाइड्रोलिक प्रेस एट रूम टेम्परेचर। इसलिए तो इसको बोलते हैं कोल्ड एक्सप्रेशन। तो प्रेस अंडर हाइड्रोलिक प्रेस एट रूम टेम्परेचर, और इसमें जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो टू टन पर स्क्वायर इंच प्रेशर अप्लाई किया जाता है, 2 टन पर स्क्वायर इंच का एट रूम टेम्परेचर पर। और इस अप्लाई करने के बाद जो इस पे प्रेस करने के बाद ऑयल निकलते हैं, जो ऑयल जो है सो नियरली, जब इतना प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो नियरली 30% जितना उसमें ऑयल रहता है उसका 30% ऑयल बाहर आते हैं, केवल 30%, ध्यान दीजिएगा। सो नियरली
50% ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्टेड आउट, एक्सट्रैक्टेड आउट बाहर आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा 30% ऑयल जो है वो बाहर आ जाते हैं इस प्रेशर पे। तो और क्योंकि इसमें हम कोई टेम्परेचर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस ऑयल को कहा जाता है कोल्ड ड्रॉन ऑयल। याद रखेंगे दिस इज नॉन एच। जो फर्स्ट टाइम जो 30% ऑयल आ जाता है उसको कहा जाता है कोल्ड ड्रॉन ऑयल। दिस इज नॉन एच कोल्ड ड्रॉन ऑयल कोल्ड ड्रॉन ऑयल। और यही ऑयल जो है वो मेडिसिन में यूज किया जाता है। इसके बाद जो और प्रेशर अप्लाई करके फिर बाद में जो ऑयल निकाला जाता है उसका कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं आता होता है। तो ध्यान रखेंगे द फर्स्ट ऑयल जो कि 30% है विच कम्स इज कॉल्ड कोल्ड ड्रॉन ऑयल ऑल्सो कॉल्ड एज मेडिसिनल ऑयल। तो इसी को कहा जाता है मेडिसिनल ऑयल। मीन्स ओनली दिस ऑयल हैव मेडिसिनल वैल्यू। तो मेडिसिनल पर्पज से केवल दिस ऑयल को यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रिमेनिंग ऑयल इज लो ग्रेड ऑयल यूज फॉर अदर पर्पज। तो याद रखेंगे रिमेनिंग ऑयल इज लो ग्रेड एंड यूज फॉर अदर पर्पसेस। ठीक है, तो अदर पर्पस के लिए यूज किया जाता है मेडिसिनल ऑयल। अब इस ऑयल को हम लोग ध्यान रखेंगे एक चीज और डिफरेंस, कैस्टर ऑयल को हम लोग ओरली भी ले सकते हैं या इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली या इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल के रूप में, क्योंकि नॉसिएटिंग होता है तो कैप्सूल के रूप में। जबकि चालमोग्रा ऑयल का इंटरनल यूज नहीं है, चालमोग्रा ऑयल इज ओनली यूज फॉर द एक्सटर्नल पर्पस बिकॉज दे कंटेन पॉइजनस सब्सटेंस, उसमें रिसिन पाया जाता है, रिसिनोलिक एसिड या सॉरी उसमें पॉइजनस सब्सटेंस पाया जाता है, क्या कहते हैं उसको साइनोग्लाइकोसाइड उसमें पाया जाता है, जिसके कारण चालमोग्रा ऑयल को हम लोग इंटरनली नहीं यूज करते, ध्यान दीजिए, जबकि इसको इंटरनली यूज कर सकते हैं। तो ये तो समझ गए, बात समझ गए, यानी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन के बाद जो ऑयल निकलता है उसको कोल्ड ड्रॉन ऑयल या मेडिसिनल ऑयल कहते हैं, उसी का मेडिसिनल यूज है। बाद में जो निकलता है वो इंडस्ट्रियल पर्पज मीन्स अदर पर्पज के लिए, क्या क्या अदर पर्पज के लिए, तो कैस्टर ऑयल इज यूज, याद रखेंगे कैस्टर ऑयल इज यूज और प्रिपरेशन ऑफ तुर्की रेड ऑयल सोप फोम यूरीथेन ये इलास्ट ऑल्सो कॉल्ड एज इलास्टोमर। ठीक है, यूरीथेन। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे यहां से क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में, कैस्टर ऑयल व्हिच ऑयल इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ तुर्की रेड ऑयल। तो कैस्टर ऑयल इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ तुर्की रेड ऑयल एंड ऑल्सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूरीथेन। चलिए, ओके, थैंक यू।